देखो तो आज का जो टाइप फोर का क्वेश्चन है ठीक है फ्रेंड्स, वो ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो कार जिनमें से प्रत्येक को 1,000 रुपये में बेचा गया ठीक है फ्रेंड्स, उनमें से पहले कार को 25% प्रॉफिट पे, दूसरे को 20% हानि पे बेचा गया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। आपको जो मैंने फ्रैक्शनल जो वैल्यू मान मान के निकालना है, उससे क्वेश्चन बनाना है, उसी मैंने बताया आपको, वैसे ही बनाना है ठीक है। पहला क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, 25%। एक चीज आप देख ध्यान रखना, देखो कभी भी क्वेश्चन बनाना ना फ्रेंड्स, जब परसेंट में दिया रहा है कुछ ठीक है, और जो जो निकालना हो हमको, जो सोल्यूशन निकालना है फ्रेंड्स, वो हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, लाभ और हानि परसेंट में ही निकालना हो ना, तो इसको आपको स्किप कर देना है, स्किप कर देना है, मतलब इसको देखना भी नहीं है आपको ठीक है। हमने क्या करना है देखो बताता हूँ फ्रेंड्स। पहले क्या हुआ, पहले कार को क्या किया फ्रेंड्स, 25% प्रॉफिट पे बेचा। यहां मैंने सीपी लिख दिया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एसपी, मैंने सेलिंग प्राइस हो गया। 25% का मान हुआ, 25% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 1/4 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, 4 में खरीदा 5 में बेचा ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरे को 20% हानि पे बेचा, 20% हानि का मतलब हुआ 1/5, यानी कि 5 में खरीदा 4 में बेचा। अब देखो यहां पे समझना है क्या बोल रहा है, प्रत्येक को 1,000 रुपये में खरीदा, यानी कि दोनों को 1,000 में खरीदा, यानी 5 का मान भी 1,000 है, 4 का मान भी 1,000 है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए ना फ्रेंड्स। इसको बराबर कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। समझना है फ्रेंड्स, एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं। फिर नया यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू हमारा आ गया, यहाँ पे नया अनुपात आ गया सीपी और एसपी का, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4 × 16 और 5 × 20 और फिर 50 × 25, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 ठीक है। हमारा ये 20 20 बराबर हो गया ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य क्या है, दोनों बराबर है, तो मैंने इसको बराबर कर लिया है। अब देखो सिंपल सा क्या करना है, दोनों वस्तु को मैंने कितना में खरीदा है, 1 × 2 = 3 = 4, 41 में खरीदा, बेचा कितने में फ्रेंड्स, 40 में बेचा ठीक है फ्रेंड्स। समझना है आपको, एकदम कंसेप्ट समझना है एकदम बेसिक से फ्रेंड्स। हमने खरीदा 41 रुपये में और बेचा 40 रुपये में, तो क्या होगा, आपने कोई वस्तु खरीदा, एक पेन मान लो, ये मार्कर खरीदा 41 रुपये में और हमको बेच दिया कितने में, 40 रुपये में, तो आपको लॉस होगा ना फ्रेंड्स। कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, लॉस 1 रुपये का हुआ। परसेंट लॉस क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो हमको हानि हो रहा है फ्रेंड्स। कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। हानि सॉरी प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है फ्रेंड्स, किस पे कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा सीपी पे किया जाता है, तो बटा सीपी और परसेंट में पूछ रहा है, तो इंटू 100 कर दोगे, यानी कि 100/41% का लॉस हुआ ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे आपको कोई बोलेगा ना कि सर सीपी हमको निकालना है, ठीक है सीपी निकाल लेना यार, वैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ ठीक है। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपको ध्यान से देखना है। और प्लीज फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर कमेंट और लाइक करना। देखो टाइप फोर का दूसरा क्वेश्चन आपके ब्लैकबोर्ड पे ये रहा फ्रेंड्स। देखो एक व्यापारी ने 2 घड़ी खरीदी ठीक है, जिसकी कीमत उसने 480 रुपये दिया, उसमें से एक को 15% के लॉस पे और दूसरे को 19% के प्रॉफिट पे बेचा ठीक है फ्रेंड्स। यदि दोनों घड़ी का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, वो दोनों बराबर हो, तो कम कीमत वाले घड़ी का लागत मूल्य निकाले ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना आपको, जैसा मैंने बताया था सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स। देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यहां लिख लेना है ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, पहले घड़ी को क्या किया, 15% के लॉस पे बेचा, 15% का लॉस मतलब हुआ 15/100, 5 × 3 = 15, 20 × 25 = 100 ठीक है। यानी लॉस पे बेचा, यानी कि 20 में खरीदा होगा और 3 रुपये का लॉस हुआ, तो 17 रुपये में बेचा ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स। और क्या बोला, दूसरे को 19% के लाभ पे बेचा, 19% का प्रॉफिट, यानी कि कटेगा नहीं फ्रेंड्स, यानी कि 100 में खरीदा और 119 में बेचा ठीक है, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट हो रहा है ठीक है 19 रुपये का। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने एसपी निकालना है, तो 100 + 19 = 119 हो गया हमारा यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे
ये देखना बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है, दोनों घड़ी का जो सेलिंग प्राइस है ना फ्रेंड्स वो दोनों बराबर है, तो हमको क्या करना है सेलिंग प्राइस को बराबर कर देना है। तो बराबर कैसे करोगे फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है ना फ्रेंड्स, देखो आप लोग ना टेबल 25 तक मिनिमम याद कर लेना, 50 तक 50 तक स्क्वायर याद कर लेना और 25 तक फ्रेंड्स क्यूब याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी आपको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना हो ना 17 का टेबल पढ़ोगे ना फ्रेंड्स उसमें 119 आता है 7 बार में। ठीक है, क्योंकि हमको बराबर करना है दोनों को, दोनों सेलिंग प्राइस हमको बराबर करना है। यहाँ पे मेरा दूसरा एक फ्रैक्शनल सॉरी रेशियो आ गया, किसका सेलिंग प्राइस और सॉरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 2 = 14, 140 और 17 × 7 = 1900। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 और 119 आ गया मेरा फ्रैक्शन, ये दोनों दोनों बराबर मैंने कर दिया तो हमारा दोस्त इसी का मान तो दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, 240 का मान दिया है 480 रुपया, यहाँ पे दोनों घड़ी खरीदा इसमें 480 में खरीदा था। ठीक है, तो इसी का मान तो हमारा इसी दोनों घड़ी का मान तो 480 रुपया दिया हुआ है, तो यहां से मेरा एक का मान निकल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा एक का मान निकल जाएगा, कितना आ गया ये दोनों, ये दो से कट जाएगा, एक का मान हमारा 2 आ गया। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो कम कीमत वाले घड़ी का लागत मूल्य निकाले, तो इसमें दोनों में कम कौन सा दिख रहा है आपको, ये 140 रुपया है, ये 100 रुपया है, दोनों में कम कौन दिख रहा है, 100 रुपया दिख रहा है ना क्रय मूल्य हमारा, तो इंटू 100 कर देंगे तो हमारा 200 आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ना है। यही सब क्वेश्चन प्री में मेंस में, मेंस में देगा ना फ्रेंड्स, उसमें क्या करता है ना कि थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा देता है और कुछ नहीं करता है, कंसेप्ट सेम रहता है, आपको बस अच्छे से देखना है समझना है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो टाइप 5 का क्वेश्चन है ना हमारा, तो पहला क्वेश्चन रहा ये, पढ़ो एक्चुअली फ्रेंड्स ये मेंस का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है इसमें, और मैं आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी बताऊंगा इसमें जो कि बहुत इजी वे में आप बना लोगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता है, यदि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज्यादा होगा, वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अभी करंट में यही सब क्वेश्चन अच्छा चल रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको तीन तरीके से इसको बताऊंगा आपको बनाना कैसे है। पहले तो आपको मैंने बताया था फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है, क्या है फ्रेंड्स, एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता है, CP SP। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आप लोग एक्स वाई बहुत आप लोग अच्छा लगता है ना, यहाँ बेस वाई एक्स वाई मान के ही मैं बनाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना ही इजी में मैं बताऊंगा। देखो फ्रेंड्स कैसे 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है फ्रेंड्स 1/5। ठीक है, यानी कि 5 में खरीदा और 6 में बेचा, है ना फ्रेंड्स, यही है ना कंसेप्ट हमारा, 5 में खरीदा और 6 में बेचा। और फिर दूसरा क्या बोल रहा है ना, यदि एसपी दोनों 20 रुपए कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से क्या होता है फ्रेंड्स 10% ज्यादा हो जाता है, यानी कि पहले हमारा 20% होता था तो अब कितना हो जाएगा 10% 30% हो जाएगा, और 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है फ्रेंड्स कितना 3/10। ठीक है, 3/10 यानी कि 10 में खरीदा और बेचा कितना है फ्रेंड्स 13 रुपए में बेचा, समझना है आप लोग को। एक्स वाई बहुत अच्छा लगता है, मैं एक्स वाई बनाता हूं यहाँ पे, ये इसका मान 20 रुपया है, ये 20 रुपया है, 20 RS। ठीक है, यानी कि 20 रुपया क्या कर दिया दोनों को कम कर दिया, दोनों कम हो, कुछ नहीं करना है, इसको हम मान लिए एक्स, इसको एक्स मान लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स मान लिया, यानी कि 5x में खरीदा 6x रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो यहां पे देखो CP/SP क्या होगा, CP/SP क्या होगा फ्रेंड्स 5x/6x, यही होगा ना हमारा सीपी और एसपी, क्या होगा 5x माना मैंने, 24x माना था, 5x 24 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब क्या बोल रहा है, यदि सीपी और एसपी दोनों 20 रुपए कम हो, यानी इसपे 20 रुपए कम हो तो -20 -20 दोनों का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आ रहा है फ्रेंड्स 10/13। 10 कौन सा है फ्रेंड्स हमारा, सीपी 10 रुपया है, एसपी 13 रुपया है, यही मैंने निकाला था ना मैंने, कुछ नहीं करना है आपको, निकाल इसको सॉल्व कर लो आप लोग, 13×65 65x - 13×26 260 बराबर कितना हो जाएगा 60x - 200। ठीक है, इसको आप इधर लाओगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 60। ठीक है ना फ्रेंड्स,
बस हमको तो यही निकालना है, हमारा 5x का मान ही तो निकालना है। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत महान होते हैं, ठीक है, क्या करेंगे ना, यहां से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे फ्रेंड्स। x का मान आएगा इनका 12, और फिर क्या सोचेंगे ना कि अरे हमको तो 5x का मान फिर निकालना है, 5 का मान निकालना है ना, तो फिर क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई 60 ही में निकालेंगे फिर से। समझना है, यहां 5x हमको निकल गया 60, यहां क्या है फ्रेंड्स, 5x का मान ही तो निकालना है हमको, तो 60 रुपया हमारा आ गया आंसर। समझ में आया फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट। देखो ये x मान के हुआ, लेकिन मैंने क्या प्रॉमिस किया था, मैं xy नहीं मानूंगा, ठीक है, मैंने xy नहीं मानूंगा यार। बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, इससे बेहतर कंसेप्ट बताऊंगा, आपको बस देखना है वीडियो। कुछ नहीं, आप लोग पहले हेडिंग डालना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सा बात है, मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू निकाला हुआ था, 20% प्रॉफिट का मतलब हुआ, यहां सीपी एसपी लिख लो, ठीक है फ्रेंड्स। सीपी मेरा कितना है, 5 रुपया, एसपी 6 रुपया, मतलब कि क्या था, 20% 1/5 हुआ, तो 5 रुपया मेरा सीपी हुआ, 6 रुपया क्या हुआ फ्रेंड्स, एसपी हुआ, और दूसरा क्या था हमारा, 10 आया था और 13 आया था, ठीक है, दोनों का रेशियो कितना, यहाँ 20 आरएस कम किया मैंने, इस दोनों में कितना किया मैंने, 20 रुपया। अब क्या बहुत लोग क्या करेंगे ना, इसमें सोचेंगे ना कि 5 में से 10 घटा दे फ्रेंड्स, माइनस में आंसर आएगा, लेकिन हमको इसमें से नहीं घटाना है ना, हमने इसको माना है, हमने इसको माना है कि हमारा 5 रुपया क्रय मूल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। 20 रुपया हो गया, यहां पर 20 रुपया किया मैंने क्या, इस दोनों का डिफरेंस 20 रुपया आया। अब आपको करना क्या है, देखो इस क्रय मूल से ना क्रॉस, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब कि तिरछक गुणा करते हैं हम लोग, इसमें इससे करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, पहले 13×5 65 माइनस, और अब फिर सॉरी इससे करना है ना, इससे इसमें करना है, 10×60 बराबर। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें इससे करना है और इससे इसमें करना है, यानी कि देखो पहले वाले जो क्रयमूल है उससे क्या करना है, दूसरे वाले विक्रयमूल से गुणा करना है, और फिर पहले वाले जो विक्रयमूल है दूसरे वाले क्रयमूल से गुणा करना है, इस दोनों का डिफरेंस निकालना है, और फिर क्या करना है फ्रेंड्स, तो दोनों जितना क्रयमूल और विक्रयमूल हमने कम किया है, ठीक है, 20 रुपया कम किया है, यहां 20 रुपया कम किया, तो फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, और फिर इसमें माइनस करेंगे, यानी कि 13×2 = 26, यानी 260 रुपये यहां पर हुआ माइनस, और फिर इसमें करेंगे 20×10 = 200, कितना है, 5 का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 60 रुपया, इसी को तो निकालना था, 5 ही का मान तो निकालना था हमको, क्रयमूल निकालना था, यहां भी मत कर देना है ना कि 5, यानी 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान हो गया यहाँ पे 12 रुपया, फिर से सोचेंगे कि क्या यहाँ पे मेरा क्रयमूल तो दिया हुआ है 5 रुपया, तो फिर 5 का मान निकालेंगे तो यार 60 ही रुपया तो आएगा फिर से, ठीक है। ये चीज समझना है आपको, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को अच्छे से समझना है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों में से बहुत लोग फिर बोलेंगे ना कि ये वाला मैटर बता दो, एक और मैटर बता देता हूं मैं यहां पे, देखो यहां पे एक और मैटर बता देता हूं, सीपीएसपी कितना है फ्रेंड्स, हमको हमारे पास सीपीएसपी कितना है, आप ये मैटर मत देखना, ठीक है, मैं आपको बस जानकारी के लिए बता रहा हूं, आपका यही मैटर बहुत अच्छा है, यही मैटर से क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। देखो 5 रुपया है, 6 रुपया है, 10 रुपया है, 13 रुपया है, फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ना इस दोनों का डिफरेंस हमेशा बराबर आना चाहिए, है ना, तो क्या करोगे, इसमें दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 रुपये का है, इसमें कितने का, 3 रुपये का है, डिफरेंस बराबर करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां से 1 से करोगे, हमारा क्या आ गया, 15, 18, 10, 13, इस दोनों का मान, सॉरी 20, 20, ठीक है फ्रेंड्स। इस दोनों का अंतर कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 5, इस दोनों का भी अंतर 5, लेकिन यहां पे क्या था फ्रेंड्स, 5 था और यहां पे क्या था, 7 था, तो फिर दोनों 20-20 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, इसलिए मैंने क्या किया, इसको दोनों को क्या किया फ्रेंड्स, बराबर किया, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पे क्या आया फ्रेंड्स, हमारा डिफरेंस यहां 20 था, यहां 20 था, कितना, ये 5, अंतर कितना रहा, 5, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नहीं हमने क्या किया फ्रेंड्स, 20 रुपया कम किया है, तो 5 का मान हो गया हमारा 20, तो 1 का मान हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, 4 रुपया, और पूछ क्या रहा है हमको, 15 का मान निकालना है, 10×15 60 रुपया आंसर आ गया, तीसरा मैटर था फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वाला मैटर समझना है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया,
आपको क्रॉस प्रोडक्ट मैटर ही बनाना है, यही क्वेश्चन आना है, सारा क्वेश्चन इसी से डील करना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, देखो टाइप फाइव का जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये रहा हमारे पास। ठीक है, अभी तक तो फ्रेंड्स क्या किया था ना कि क्रैमूल और बिक्रैमूल दोनों क्या किया था, बराबर दिया हुआ था, बट अभी देखो डिफरेंस दे दिया, उससे इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे। एक वस्तु को 25% लाभ पे बेचा जाता है यदि सीपी यानी क्रैमूल कॉस्ट प्राइस 20 रुपये तथा सेलिंग प्राइस यानी बिक्रैमूल 10 रुपये कम होती तो लाभ 5% बढ़ जाता, तो क्या करना है, क्रैमूल निकालना है। उससे इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन आपको समझना है, बहुत इजी है, उसको बना लोगे। मैंने क्या बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीपीएम, इसको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो क्या किया मैंने, पहले क्या दिया है फ्रेंड्स, 25% प्रॉफिट पर मैंने बेच रहा है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, यानी कि 4 सीपी यहां पे लिख दो, यहां पे एसपी लिख दो, 4 में खरीदा 5 में बेचा, है ना फ्रेंड्स। 25% का मतलब हुआ 1/4, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ 1/4, मैंने 4 में खरीदा 5 में बेचा, है ना। अब क्या बोल रहा है, इतना में कम होता तो फिर क्या होता फ्रेंड्स, 5% बढ़ जाता, तो लाभ है ना जो 5% बढ़ जाता, यानी कि 25% होता था, अब 5% बढ़ गया तो कितना हुआ फ्रेंड्स, 30% हुआ ना। अब ये भी आपको नहीं आएगा कि अब 25 में कैसे 30 हुआ, तो फिर नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको समझना है, सिंपल से समझना है, 25% मैंने किया लाभ था, 5% बढ़ा यानी कि 30% हुआ, 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू पता है आपको, 3/10 होता है, 30% मतलब कितना होता है, 30/100, 3/10 यानी कि 10 में खरीदा और 3 रुपये का लाभ हुआ यानी कि 13 में बेचा। ठीक है फ्रेंड्स, समझना है, एकदम इजी वे में समझना है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, यदि क्रैमूल 20 रुपये कम होता, ठीक है भाई मैंने 20 रुपये कम कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब फिर क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस 10 रुपये कम होता, हमने इसको भी 10 रुपये कम कर दिया, है ना, 10 रुपये कम कर दिया, तो क्या बोलता है, तो लाभ 5% बढ़ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो सीपी निकाले, क्रैमूल निकालो। मैंने क्या बताया था, कॉस्ट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तिरछा गुणन नियम, देखो क्रॉस कर दिया मैंने, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है, इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, आपको पता है। क्या करोगे, 53 का 52 यानी कि 52, 4 में 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आएगा, ठीक है 52 आएगा, माइनस का चिन्ह दे देंगे हम, इसमें 10 से गुना करेंगे तो यानी कि 50 आ गया, बराबर का चिन्ह दे देंगे यहाँ पे, और 13 × 26 यानी कि 13 × 26 260। अब क्या फ्रेंड्स, 10 × 100 -100, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस करोगे तो 2 आता है इसका, 52 में से 50 माइनस किया 2 आया, और यहाँ पे आया फ्रेंड्स 160। हमसे पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स, क्रैमूल निकालना है, हमारा क्रैमूल कितना है आपको पता है, क्रैमूल कहाँ है फ्रेंड्स, ये वाला है क्रैमूल हमारा, ये है, तो हमको 4 मना देना है इसको, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 4 बराबर क्या हो गया, 320 रुपया आंसर आ गया हमारा।